दिल्ली के अगर मैं बात करूं तो ये जो आने वाला जो समय है तो दिल्ली पर भी कुछ हमला ऐसा कुछ हो सकता है क्या? दिल्ली पर हमला हमला होगा, पहले होगा, उधर स्टार्टिंग में होगा। पहले होगा। अच्छा, टर्की एंड चाइना उनका ये मानना है कि अगर दिल्ली कब्जे में आ गया तो पूरा हिंदुस्तान कब्जे में आ जाएगा। टर्की भी मेन मैन देयर। ये कौन कौन? टर्की। टर्की? हाँ, टर्की में तो भूकंप हुआ है उनका, तो हालात भी कभी खराब अरे है। उसकी कोई बात नहीं, अच्छा फिर भी है। टर्की चाहता है लीडर लीडर होने के लिए मुस्लिम राष्ट्रों के में, हाँ तो वो लीडरशिप लेगा, उसके अंडर में तेरा तेरा कंट्री रहेगी। अच्छा, विल सप्लाई आप एमुनिशन, इतना जो युद्धार्थ सब सप्लाई वही करेगा, कुछ रशिया करेगा, कुछ ईरान करेगा, मेनली वही करेगा। तो जो लोग का मेन एम रहेगा फास्ट दिल्ली कैप्चर कर ले, दिल्ली कैप्चर हो गया तो इंडिया कैप्चर हो गया, ये तो है फैक्ट है। तो दिल्ली दिल्ली सफर, दिल्ली तो नष्ट हो जाएगा दिल्ली। आप जो बोले कि इससे पहले हमने जब उड़िया में एपिसोड बनाए थे, आपका ये मानना था कि उड़ीसा को अटैक होगा लगभग 2026 में। 26 में, 2026 में अगर उड़ीसा को होगा अटैक, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तब तक दिल्ली जो है कैप्चर्ड हो चुका होगा। हाँ, पहले दिल्ली होगा कैप्चर, उसके बाद तो आएगा ना बाकी प्रदेश में। तो भारत की जो सेना है, जो आर्मी है, फिर उनका क्या रहेगा रोल? देखिए टोटल वर्ल्ड वार होगा 6.5 साल। अच्छा, एक्चुअल वार इंडिया में होगा 3.5 से 4 साल तक। इंडिया में होगा? इंडिया में होगा। हाँ, लास्ट की है शुरू के है जो वर्ल्ड वार का आपने जो ये बताया जो टाइमलाइन, हाँ तो ये लास्ट में होगा या मिडिल में? मिडिल में, मिडिल में, में होगा। ओके, आपका भाई हो जाता अभी तक इंडिया अटैक हो जाता, यूक्रेन वार के लिए सब रुक गया। किसके वार? यूक्रेन वार। यूक्रेन वार, चाइना चाहता है यूक्रेन पर डिफीट हो जाए, रशिया यूक्रेन से खत्म कर दे यूक्रेन को, वापस आ जाए, आने से उसके साथ मिलके वो लोग जापान और ताइवान को अटैक करेंगे। अच्छा अच्छा, उसका मतलब क्यों है? क्योंकि अगर उधर दूर से अटैक हो गया पर अमेरिका वहाँ चला जाएगा, ऑलरेडी आए थे आपका देखिए याद होगा ये साउथ कोरिया का ये फॉरेन मिनिस्टर, ये आपका ईरान का फॉरेन मिनिस्टर, टर्की का फॉरेन मिनिस्टर सब आए थे रशिया को, उन लोग का जोगसूत्र हुआ, कुछ बातचीत हुआ, क्या बातचीत हुआ? द मोमेंट आपका चाइना को चाइना अटैक करे ताइवान को, रशिया अटैक करेगा जापान को, उसी टाइम साउथ कोरिया अटैक करेगा नॉर्थ कोरिया को, 3 वार फ्रंट खोल जाएगा उधर। क्या क्या? 3 वार फ्रंट। हाँ, खोल जाने से अमेरिका उधर एंगेज हो जाएगा। जब अमेरिका वहाँ पर एंगेज हो जाएगा तब इंडिया विल अटैक, चाइना विल अटैक इंडिया। अच्छा, चाइना जब जो है भारत के खिलाफ जंग छेड़ेगा। ये हुआ नहीं बोली और बोल के अभी तक इंडिया का अटैक हुआ नहीं। अच्छा, चाइना इज रेडी विथ इट्स एमुनिशन, सोल्जर फोल्जर लगा के पूरा तैयार होके बैठा है वो। तो महापुरुषों के मालिका ये भी प्रमाण देता है जैसे आप बोल रहे थे, किस दिशा पर पहले होगा युद्ध, किस दिशा भारत के किस दिशा पर पहले युद्ध होगा, चाइना जो है घुसेगा, ऐसा ऐसा कुछ बोला था ऐसा को ना? नहीं नहीं नहीं, भारत को पहले आएगा युद्ध चालू होगा आपका ये अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल ऐसा क्यों लिखा हुआ है? बालिका लिखा हुआ है ऐशन कोण में, अरे आएगा वार आएगा इंडिया को भारत के खिलाफ जो ऐशन कोण से आएगा, उत्तर में, हाँ पश्चिम में, पाकिस्तान से आएगा। अच्छा, तो वो क्या एक साथ आएगा? एक साथ आएगा। तब तो भारत को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किल है, आज भी बोलता हूँ म्यांमार विल सपोर्ट, म्यांमार ज्वाइन करेगा इंडिया अगेंस्ट में। कौन ज्वाइन करेगा? म्यांमार। हाँ, म्यांमार बॉर्डर देखे भी चाइनीज सोल्जर अटैक करेंगे इंडिया को। अच्छा अच्छा, टू सपोर्ट चाइना। आपको एक बात बोल देता हूँ, बोला नहीं, इन कमिंग इलेक्शन ऑफ बांग्लादेश दैट इज ए वेरी हाई चांस
दैट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर विल बी किल्ड. ओ विल बी किल्ड. यस. ऐसा क्यों? क्योंकि बट क्योंकि अभी उधर एंटी इंडियन जो ये मेंटालिटी ग्रोइंग कैंपेन चल रहा है. कैंपेनिंग एंटी इंडियन कैंपेन. ये इंडिया सपोर्टर है. जब तक हसीना बेग जब तक है तब तक वो लोग पावर में नहीं जाएंगे. हसीना बेगम को मार देने से उनकी जीयर पड़ देना. अच्छा. तो ड्यूरिंग द कैंपेन इलेक्शन कैंपेन हो या इलेक्शन जस्ट बाद बाद हो उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है उसमें. और एक बार हो गया तो बनारस विल बी अगेंस्ट इंडिया कम्प्लीटली. उनका जो जनता है मिलिट्री जनता दे आर सपोर्टिंग नाउ दिस एंटी इंडियन फोर्सेस. तो इंडिया तो चारों तरफ पर अटैक हो जाएगा. कहाँ जाएगा? प्रॉब्लम होती है उसके जो जो बहुत सा लिखा है जो इंडिया विल बी कैप्चर्ड. कैसे पॉसिबल होगा इतना बड़ा कंट्री कैप्चर करने? कैसे पॉसिबल होगा इतना बड़ा कंट्री को कैप्चर करने? फिर इतना बड़ा कंट्री चाइना अगेन बोलता है रसिया बांग्लादेश आपको म्यांमार नेपाल सब मिलकर अटैक करेंगे. रसिया आल्सो इंडिया का अटैक करेंगे. रसिया आल्सो. हाँ यस. रसिया बैकफायर. यस. अब देखो तू अब अभी अभी आप देखिए एक चीज मोदी इज नाउ गोइंग टू अमेरिका फॉर अ विजिट. ही हैज नॉट विजिटेड रसिया आफ्टर एक्सेप्टिंग इन सेकेंड टर्म. फर्स्ट टाइम जा रहा है अमेरिका को. वहाँ कुछ बात होगा. इन अमेरिका इज वेरी ये क्लेवर कंट्री. वो चाहेगा कि इंडिया अमेरिका को फुली सपोर्ट करे. अभी तक किया नहीं इंडिया. बट आफ्टर हिज कमिंग बैक देयर इज सम चेंज इन पॉलिसी ऑफ इंडिया. एंड रशिया कभी चाहे कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया जाके बाइडेन के साथ बैठे. बोथ आर नॉट डेडली एनिमीज. बाइडेन वांट्स टू किल पुतिन. ये जो हुआ अभी जो धंधा हो गया अभी ड्रोन अटैक जो हुआ ड्रोन अटैक हुआ किस लिए कौन किया उसको? जिलस की क्या? नो वो तो बोल रहे हैं कि यूक्रेन क्या है दवा दे रहे हैं. ये वेस्टर्न फोर्स कोई उन लोग का काम है. इंडिया का जो जिलस के का आदमी का इतना टेक्नोलॉजी नहीं है. ये एग्जैक्टली जाके गिरे वहाँ पे टावर का पर ये फॉरन इंटेलिजेंस इज देयर. तो क्या सोचेगा पुतिन? जो मुझे मारना चाहता है तुम जाके उसको हाथ मिलाते हो. अच्छा तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि रशिया बैकफायर. मे बी बहुत. ओके ओके. तो फिर इसका मतलब है कि आने वाला समय जो है काफ़ी कठिन है. मतलब बहुत कठिन है. आने वाले 6 साल आपके लिए बहुत कठिन है. सबके लिए सारा पृथ्वी विश्व के लिए बहुत कठिन है. जो अभी पाकिस्तान में जो हालात है अपने ही चक्रव्यूह में पाकिस्तान फंस चुका है. तो गृह युद्ध की ओर पाकिस्तान को ढकल दिया गया है. भारत में भी क्या वही होगा? भारत में हिंदू मुस्लिम राइट होगा. हिंदू मुस्लिम राइट. यस. इधर कई बार हो भी चुका है. कई बार हो भी चुका है. कुछ नहीं है. कुछ भी नहीं है. सारा जगह में होगा. टोटल इंडिया में होगा. टोटल इन ऑल स्टेट्स पूरा भारत में. भारत में होगा. भारत जलेगा. यस. भारत जलेगा और उसमें घी डालेंगे. तेरा मुस्लिम कंट्री. तेरा मुस्लिम कंट्री जो है उसमें घी डालेंगे. अच्छा. दे विल टेक दैट चांस. बांग्लादेश का जो हालत हुआ था फायदा उठाएंगे. बांग्लादेश का जो हालत हुआ था इंडिया कैसे जीत लिया 13 दिन में इतना बड़ा कंट्री को? बिकॉज लोकल पर्सन वो लोग सपोर्ट किया. स्थानीय आदमी है सब इंडिया आदमी को सपोर्ट किया. रास्ता दिखाया कहाँ कौन है कहाँ क्या है दिखाया उसको. इसलिए ये लोग कैप्चर कर लिया. सेम थिंग विल हैपन टू इंडिया. हर स्टेट में जयदर्थ है. हर स्टेट में जयदर्थ है. कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है. आपका जो साउथ इंडिया स्टेट में मैसूर केरला मेन. नॉर्थ इंडिया में यूपी बिहार एमपी
पर्सन ऑफ एमपी जर्मेन ईस्ट में आपका हो गया असम, वहाँ चालू जब हो जाएगा ना थोड़ा सारा भारत को व्याप वेस्ट बंगाल भी है हो जाएगा। अच्छा वेस्ट बंगाल छोड़िए वो तो खत्म होगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पार्ट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल विल खत्म विल बी डिस्ट्रॉयड। यस अच्छा अच्छा तो ये आप जो बोल रहे हैं कि ये मतलब मीन शनि के जो योग बन रहा है तब जाके होगा। ये आप जो बोल रहे हैं तो 24 का एंड को आता है वो, हाँ तब होगा ये सब। 24 अक्टूबर नवंबर को आता है इंजन जो स्टार्ट होता है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो है आग लगना शुरू हो जाएगा फिर स्प्रेड करेगा। हाँ बस ऐसा अभी देखिए आप देखिए ये पाकिस्तान का थोड़ा सबसाइड हो जाने के बाद उनका जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कहाँ घुस गया कहाँ निकल गया ये सब चालू हो जाएगा दोनों साइड में, चाइना भी करेगा पाकिस्तान भी करेगा। आज 1 किलोमीटर अंदर आ गया फिर कल से वापस चला गया, आज फायरिंग जोरदार चला 4-5 दिन रोज 50 आदमी मर गए उसमें, ऐसा करते 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 वार स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा ऐसे करते करते वार स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर जो है तथ्य जो है हमारे दर्शकों के सामने खास करके हमारे जो चेतवा भक्त है उन तक आपने ये संदेश पहुंचाया है। तो आप अभी सुन रहे थे कलकिला पुस्तक के राइटर और मालिका के रिसर्चर श्री पुलिन बिहारी पंडा जी को। तो पुलिन बिहारी पंडा जी का ये मानना है आने वाला समय भारत देश के लिए काफ़ी कठिन है, अभी खास करके गृह युद्ध की ओर भारत जो है धीरे धीरे ढकेल रहा है, तो फिर आने वाला समय जो है छोटे और बड़े देश के बीच में ये आरंभ हो जाएगा युद्ध और ये महायुद्ध कहलाएगा यानी तीसरा विश्व युद्ध कहलाएगा। संत अच्युतानंद दास ने और उनके साथ साथ 17 महान संतों ने भी ये भविष्यवाणी किए थे कि आने वाला समय जो है भारत के लिए बहुत कठिन रहेगा। तो पाकिस्तान के बारे में खास करके पाकिस्तान के बारे में संत अच्युतानंद दास ने क्या लिखे थे ये आप अभी सुने श्री पुलिन बिहारी पांडा जी से। तो अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम इस प्रश्न का उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ। जय पद सका।